तो और मेरे भाई लोग कैसे हो यार, होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने BGMI के प्रीमियम क्रेट एक्सचेंज इवेंट के बारे में। यहाँ पे जो आपका प्रीमियम क्रेट है, ओल्ड प्रीमियम क्रेट, आप लोग उसको कैसे एक्सचेंज कर सकते हो वो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। फिलहाल के करेंटली बात की जाए तो BGMI के अंदर ऐसा कोई भी इवेंट अवेलेबल नहीं है जिससे आप लोग यहाँ पर मतलब अपना प्रीमियम क्रेट को एक्सचेंज कर सकते हो। बट इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स दिखा सकता हूँ, फिर बोल सकता हूँ, कुछ यहाँ पर आपको हिंट दे सकता हूँ। इन फ्यूचर यहाँ पर जल्दी आपका यहाँ पर न्यू प्रीमियम क्रेट एक्सचेंज सेंटर देखने को मिल जाएगा, उसका आप मैं आपको इवेंट भी शो करने वाला हूँ, ऐसे मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले यहाँ पे भाई साहब BGMI तो डेड हो ही चुका है, आप लोग को कुछ नहीं। एंड एक चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर बोल देता हूँ, आप चाहे लिख के ले लो, इन फ्यूचर BGMI के अंदर यहाँ पे एंड पबजी मोबाइल के अंदर गन स्किन्स देख रहे हो, गन स्किन्स भाई इनके लिए भी यहाँ पे मतलब अगर आप इसको अपग्रेडेड गन स्किन यूज करते हो वहाँ पे आपका डैमेज बढ़ जाएगा। इसलिए जो गेम है टोटली फ्री फायर की तरह कॉपी किया जा रहा है, बस फ्री फायर की तरह यहाँ पे फ्री में इवेंट नहीं दिए जा रहे हैं, गेम पूरी तरह से कॉपी हो रहा है फ्री फायर की तरफ। आप चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे मैं नहीं जानता, आप BGMI को चाहे दिल से चाहो, मुझे नहीं लगता कि एक ओल्ड प्लेयर से ज़्यादा कोई न्यू प्लेयर BGMI को मतलब रेस्पेक्ट करता होगा। यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल दिखा देता, देख सो Season 1 से मैं इस गेम को खेल रहा हूँ एंड 4 साल का एक्सपीरियंस है। बट यहाँ पे मैंने जैसे BGMI को उठते देखा है वैसे अभी गिरते हुए देख रहे हैं, बट यहाँ पे पूरी तरह फ्री फायर को कॉपी कर रहा है। इसलिए अपने एक्सपीरियंस किए भाई BGMI पहले कैसे था, मतलब पबजी मोबाइल कैसा था एंड अभी कैसा बनता जा रहा है अपने को सब पता है। इसलिए अपने जब से गेम स्टार्ट हुआ, जिस दिन से लॉन्च हुआ उसी दिन से खेल रहे हैं एंड आज हमारा 4 साल 4.5 होने वाला, अभी जल्दी हमारा 5 ईयर ही हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये था इनका मतलब जो भी है, ये लोग अपना फ्री फायर की तरह कॉपी कर रहे हैं बट यार गेम को ऊपर नहीं ला पा रहे हैं। एंड इन फ्यूचर फ्री फायर में यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है किसलिए मैं कभी काल फ्री फायर भी खेल लेता हूँ जस्ट ऐसे फन पर्पज़ के लिए। गेम से हेट नहीं है मुझे, किसी भी गेम से हेट नहीं है, अपने भाई सबवे सर्फ से लेकर हर एक गेम खेले A to Z। तो जैसा मैंने बोला उसके अंदर यहाँ पर अगर आपके पास गन स्किन्स हैं तो भाई आप गन स्किन को अपग्रेड करके उसका डैमेज वेमेज सब बढ़ा सकते हो। देख सकते हो मेरे पास ग्रोजा का अपग्रेडेबल स्किन से, अगर एक नॉर्मल ग्रोजा की बात की जाए आप एक बुलेट मारे वो बंदे को हेडशॉट वो मतलब बोल सकता हूँ 70% डैमेज देगा, फिर 70 डैमेज होगा, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एंड भाई अगर आप ग्रोजा को लेवल 2 पे अपग्रेड कर देते हो तो 80% डैमेज देगा एंड लेवल 3 पे 100%, लेम मैक्स करने के बाद ये मतलब 120%, मतलब भाई अगर बुलेट लग गई चाहे बॉडी मार दो फिर भी बंदा नॉक हो जाएगा। इन फ्यूचर कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये लोग करने वाले, मैं आपको पहले बता देता हूँ। एंड मैं जो चीज़ें बोलता हूँ भाई वो चीज़ें मतलब हो ही जाती है, सीधी सी बात है। किसलिए आपका भाई जो बोलता है ना भाई एक्सपीरियंस से बोलता है, अपने पास इतना एक्सपीरियंस है तो आप लोग चाहे इसको नोटिस करना चाहो कर सकते हो। फ्यूचर में भाई गेम पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है एंड इनके पास सिर्फ बचने का एक ही मौका है। यहाँ पे जो हमारा 1st एनिवर्सरी आता है बस लोग यहीं पर इसी का वेट कर रहे हैं। जितने भी मैं सही बोल रहा हूँ भाई 1st एनिवर्सरी तक मैं वेट कर रहा हूँ, 1st एनिवर्सरी तक डेली वीडियो आएगी। एंड 1st एनिवर्सरी में अगर यहाँ पर गेम सही से ग्रो नहीं हुआ या फिर बोल सकता हूँ गेम अगर ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना हुआ 1st एनिवर्सरी के साथ साथ, भाई यहाँ पर सब कुछ ड्रॉप हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे BGMI का कंटेंट आपको बहुत कम मिलेगा। ट्राई करेंगे कोई अदर गेम से, फिर अदर कमेंट्री वीडियो कुछ भी कर लेंगे, दूसरों को रोस्ट कर देंगे चलेगा, बट खुद का कंटेंट नहीं क्रिएट करने वाला। इसलिए भाई गेम इतना बेकार हो चुका है, कुछ मिलता ही नहीं भाई बनाने के लिए, क्या किया जाए। तो चलो भाई इग्नोर करते हैं, यहाँ पे मैं आपको इन्वेंट्री मिलेगा चलता हूँ, बस थोड़ा बहुत ऐसे बताना था आपको। प्रीमियम क्रेट की बात की जाए देख सकते हो, तो प्रीमियम क्रेट कूपन स्क्रैप आपको देखने को मिल रहा है, ये है मेरा न्यू वाला। बहुत से लोगों को यहाँ पे अचीवमेंट कंप्लीट किए होंगे, अचीवमेंट भाई कंप्लीट भी उन्हीं का होगा जिन्होंने कंप्लीट करके नहीं रखा होगा ऑलरेडी। तो भाई मेरे पास तो कोई अचीवमेंट है ही नहीं कंप्लीट करने के लिए, मेरे पास A to Z सारे अचीवमेंट्स कंप्लीट है। मैक्सिमम देख सकते हो मेरे पास 6,500 के पॉइंट, सो मेरा जो अचीवमेंट है वो कंप्लीट करने में मतलब एक महीने में एक अचीवमेंट भी मेरा नहीं कंप्लीट होता। तो ये था मतलब भाई मेरा अचीवमेंट तो कंप्लीट नहीं था, बट बहुत से लोग जो मतलब न्यू प्लेयर्स हैं उनका अचीवमेंट कंप्लीट हो रहा है। एंड उन अचीवमेंट के रिवार्ड्स के अंदर मैं एक सेकंड चेक करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको देखोगे यहाँ पर रिवार्ड्स के अंदर आप लोग यहाँ पर मतलब प्रीमियम क्रेड दिया जा रहा है, वो भी मतलब पुराना वाला प्रीमियम क्रेड, जैसे देख सकते हो ये आपका एक क्लासिक क्रेड वो भी पुराना वाला दिया जा रहा है। तो सपोज कि अगर आप टाइम ट्रेवलर यहाँ पर आप कंप्लीट करते हो, एक सेकंड बैक हो जाओ भाई, टाइम ट्रेवलर अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको ये पुराना वाला क्लासिक क्रेड देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हो। एंड इसको आप लोग कैसे यहाँ पे मतलब एक्सचेंज कर सकते हो, एंड यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे साफ साफ लिखा है क्लासिक क्रेट कूपन ओल्ड। तो भाई गेम को यहाँ पे सीधी सी बात है अगर इवेंट मतलब यानी एक्सचेंज सेंटर हटा दिया है तो इसको भी यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। जैसे कि BGMI में डाटा ट्रांसफ़र हो गया था तो यहाँ पे पबजी मोबाइल के अंदर से जितने भी ID है वो रिमूव कर दी गई थी। 1 साल तक वहाँ पे शो हो रहा था भाई पबजी मोबाइल का ये बंदा BGMI में चला गया अगर आप ID ओपन करोगे, तो सेम वही चीज़ें हैं यहाँ पर, इनको चेंज कर देना चाहिए था। यहाँ पर
न्यू प्रीमियम न्यू क्लासिक रेट ऐड कर देना चाहिए था, बट प्रीमियम क्रेट भी यहाँ पे इन्होंने नहीं ऐड किया। मेरे पास प्रीमियम क्रेट का कोई रिवार्ड ही नहीं है, तो मैं आपको दिखाऊँ क्या। बट हाँ, अभी लीक्स की बात करते हैं, सीधी सी मोटी मोटी बात। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, अभी एक्सचेंज इवेंट सेंटर अवेलेबल नहीं है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, कोई भी इवेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बट मैंने एक वीडियो शूट की थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड, ये रहा मेरा यूट्यूब एंड मैंने ये वीडियो प्ले की, मेरा खुद का वीडियो, यहाँ पे होम पे चलते हैं एंड ये रहा मेरा वीडियो। ऐड नहीं आना चाहिए, ओके ऐड नहीं आया। एंड ये देख रहो, इस मोमेंट पे मैं पॉज करता हूँ वीडियो को। यहाँ पे भाई मैंने पबजी वियतनाम वर्जन डाउनलोड किया था एंड क्वालिटी उसमें मैंने कम की थी, मतलब लो रिसोर्स पे डाउनलोड किया था, HD नहीं। सो आपको यहाँ पे क्वालिटी कम देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आपको एक्सचेंज इवेंट सेंटर अभी भी देखने को मिल रहा है एंड ये चलने वाला है 10 जुलाई तक, समझ रहे हो, ये 10 जुलाई तक इवेंट चलने वाला है। एंड जब से स्टार्ट हुआ है सारे सर्वर में, तब से ये भी स्टार्ट है एंड ये 10 जुलाई तक चल रहा है। 2021 से स्टार्ट है एंड 2022 10 जुलाई तक, मतलब ये अभी भी यहाँ पे इवेंट करेंटली अवेलेबल है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं, आपका यहाँ पे जल्दी आपका एक्सचेंज सेंटर आ जाएगा। एंड बात करें कब आने वाला है, आपको नेक्स्ट अपडेट के अंदर देखने को मिल जाएगा। 10 जुलाई तक मौका है आपके पास, मतलब अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है। 10 जुलाई तक आपके गेम के अंदर यहाँ पे एक्सचेंज सेंटर अवेलेबल हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो बस वेट करो, ऐसे 10 जुलाई तक मेरे हिसाब से, अभी मैंने टाइमिंग नोटिस नहीं किया, बट हाँ शायद आपका फर्स्ट यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाए। इसलिए जो हमारा 2.1 अपडेट आएगा वो पूरी फर्स्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर ही होगी। तो कुछ भी हो, 2.1 के अंदर आप लोगों को यहाँ पे अपना जो अपग्रेडेड क्रेट है, एक्सचेंज क्रेट है, वो इवेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप लोग इससे अपना प्रीमियम क्रेट डबल कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया वियतनाम वर्जन के अंदर अभी भी करंटली अवेलेबल है। सॉरी, तो जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे मेरी वीडियो थी मैंने आप लोग को दिखा दिया, तो वियतनाम वर्जन के अंदर अभी भी अवेलेबल है। जल्दी BGMI के अंदर भी फिर से यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, इसलिए बहुत से बंदों के पास यहाँ पे ओल्ड प्रीमियम क्रेट अभी भी पड़ा हुआ है। किसलिए भाई, इन्होंने तो चेंज नहीं किया, तो कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसे इन्वेंटरी में एक्सपायर नहीं होगा, अगर आप उसको चेक करते हो अपना प्रीमियम क्रेड, वहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि वो एक्सपायर होने वाली चीज है ही नहीं, दिखाया क्या जाएगा। कोई ना कोई इवेंट जरूर आएगा गेम के अंदर, एक्सचेंज इवेंट फिर से आएगा एंड वहाँ से आप लोग एकदम इजी एक्सचेंज कर सकते हो। तो बस भाई लोग, आज की वीडियो में इतना था, होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ख्याल रखना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का, ना पसंद आए तो डिसलाइक करो, कमेंट करना है आप कमेंट कर सकते हो जो भी आपका ओपिनियन हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ख्याल रखना फ्रेंड्स एंड फैमिली का, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर एंड बाय।